अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली अल्लाह के फजल करम से महफूज होगी। व्यूअर्स, उबर कीम के सिलसिले की एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यकीन करें, अभी आजकल जो है ना, वो उबर कीम की वीडियोस बनाने पे दिल इसलिए निकाल रहा था कि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि यार ऐसे वैसे आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर इन्फॉर्मेशन मांगते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से आज एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि उबर कीम के आजकल के हालात कैसे हैं और आजकल क्या हिसाब किताब चल रहा है उबर और क्रीम का। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को हिट किया करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज को बिलीव नहीं करते कि यार मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ठीक दे रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आपने मेरा टाइम जाया कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खैर, डैम केयर। लेकिन ये है कि मैंने जब बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि जी आज कल जो है ना क्रीम के हालात कैसे हैं, क्या सिचुएशन जा रही है, तो उस पर फिर मैंने जरूरी समझा कि मैं क्यों ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज़ को खुद फॉलो करूं और फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाऊं ताकि जो है ना मतलब कि एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रूफ भी शेयर करूंगा और जो है ना उसके अलावा जो है उस बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि उबर क्रीम के हालात कैसे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उबर पे है। उबर पे क्योंकि मैं रजिस्टर हूँ और मैं बहुत देर बाद मैंने थोड़ा सा राइड ऐसे जो है ना चलाई है। हुआ ये कि कुछ दिन, दो दिन पहले की बात है, मैं थर्सडे वाले दिन शाम में मैंने 2 घंटे तकरीबन उबर पे, मैं ऑनलाइन हुआ हूँ ऑफिस के बाद और मैंने 2 घंटे चलाई है। उस 2 घंटे में मैंने 4 राइड्स की, जो कि टोटल अमाउंट तकरीबन मेरी थी, बनी थी उसकी 950 रुपीज़ की थी। कुछ क्रेडिट का एक राइड भी थी उसमें से, तो वो मेरी टोटल अमाउंट जो है ना मुझे जो मिली है उसमें से वो 747 रुपीज़ थे। अब टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया होगा, जो कि मैंने आइडिया लगाया था। मेरी पहली राइड थी 12 किलोमीटर की, उसके बाद दूसरी राइड थी तकरीबन जो है ना 9 किलोमीटर की, ये होगा 21। तीसरी राइड थी मेरी 3 किलोमीटर की, 24। और चौथी राइड थी मेरी 10 किलोमीटर की। टोटल 34 किलोमीटर मैंने जो है ना डिस्टेंस किया। अगर आप राउंड फिगर करने के लिए अगर आप मिसाल के तौर पे 34 को 40 भी कर लें, मेरे पास है मेहरान 660 सीसी गाड़ी है, ठीक है। अब 40 किलोमीटर के लिए उसको जो फ्यूल चाहिए वो बहुत भी अगर हाथ मारें, क्योंकि मेरे लॉन्ग रूट्स थे, अगर आप बहुत ज़्यादा भी हद माने तो 3 लीटर पेट्रोल चाहिए उसको। 3 लीटर भी मैं बहुत ज़्यादा बता गया हूँ कि 3 लीटर में 45 से 50 किलोमीटर आराम से गाड़ी चलती है। लेकिन 2.5 लीटर पेट्रोल लगा लें, 2.5 लीटर का पेट्रोल का मतलब ये है कि 250 रुपये का मेरा पेट्रोल लगा। उसके अलावा क्या चीज़ लगी? कुछ भी नहीं लगा। 250 रुपये का पेट्रोल लगा, 747 में से 250 रुपये निकाल दें तो आपको ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ बचत है। अब देखें, ये चीज़ मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने खुद प्रैक्टिकल क्यों किया कि मैं भी चेक करूँ कि आजकल उबर क्रीम के हालात कैसे जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस चीज़ पे नहीं कमेंट करना चाहता कि मुझे राइड कैसे मिली कैसे नहीं मिली, लेकिन उस दिन ये था कि मुझे राइड के दौरान ही राइड्स मिल रही थी और तीनों राइड्स जो है ना पहली के बाद, यानी तीनों राइड्स मुझे विद इन राइड ही मिली हैं। उसके बाद मैंने वो राइड एक्सेप्ट की और मैं इस्लामाबाद के अंदर ही चला और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 घंटे में 500 रुपये अर्न किए, प्रॉफिट जो बनाया था बहुत ही इजीली हुआ। अब मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ एक शेयर करता था, तो बार बार देखें, ठीक है उबर के या क्रीम के दोनों के बोनसेस तो आजकल नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या हुआ कि बहुत सारे जो है ना लोग छोड़ भी गए हैं काम को, जिसकी वजह से डिमांड तो भी है लेकिन सप्लाई कम है, यानी कि गाड़ियां कम हैं, तो उसका फायदा भी आपको मिल सकता है। अगर मैं 2 घंटे में 500 रुपये कमा सकता हूँ तो वो लोग जो पूरा पूरा दिन इस पे काम कर रहे हैं तो वो डेली के कितना कमा सकते हैं। और फिर अभी ये लोग ये कहेंगे कि यार ये बगैर आप प्रूफ के, बगैर आप उस लॉजिक के दे रहे हो, तो प्रूफ आपके सामने ये है। तो व्यूअर्स, ये है मेरा उबर का ब्रेकअप का वो जो है वीक का पोर्टल, ठीक है। ये देख लें, 16 नवंबर से 23 नवंबर
18 तारीख वेनेसडे को एक राइड की थी और थर्सडे को चार राइड जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, चार राइड्स का ये 747 रुपीज़। ये देख लें 3 घंटे 14 मिनट में 5 राइड हैं। ये पहली राइड मुझे एक दिन की है, इसको निकालते हैं, और ये बाकी ये 4 राइड्स मेरी थर्सडे की है। टोटल मेरा 1010 रुपये बने थे 5 राइड्स के। इसमें थर्सडे वाली राइड अलग हैं और वेनेसडे की अलग हैं, लेकिन दोनों को मेकअप करके मैंने 1010 रुपये दिया। उसके बाद ये मैं ब्रेकअप आपको दिखा देता हूँ गेन। 16 से 23 नवंबर पहली राइड कैंसिल हुई 6:55 पर, उसके मुझे पैसे मिले। उसके बाद 7:17 पर मैंने दूसरी राइड ली, 7:42 पर तीसरी, दूसरी 8:07 पर तीसरी, और 8:09 पर चौथी, और मैं 8:30 फारिग हो गया। टाइम देख लें 6:55 से 8:30, टोटल 2 घंटे भी पूरे नहीं बनते जिसके दौरान मैंने 747 रुपीज़ अर्न किए। सिर्फ आप लोगों के लिए होता है कि आप लोगों को मोटिवेट हो, प्रूफ मैंने इसलिए दिया वरना मुझे ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स ये था मेरा प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये देख के थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच बात कर रहा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को नेगेटिव जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देने की या वो करने की। मेरा जो मकसद होता है वीडियो बनाने का वो सिर्फ ये होता है कि एक पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, एक मोटिवेशन स्प्रेड हो। तो आज भी मैंने वही चीज करने की कोशिश की है। अगर अभी भी किसी लोगों को इतराज है, किसी को कोई मसला या कुछ भी है, तो देखिये मैं उसमें फिर कुछ भी कमेंट करने से कासिर हूँ। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती हैं कि लोग इसे मोटिवेट हों, लोगों को इससे मोटिवेशन मिले और जो है ना उस पे लोग मजीद काम करें। और एक आपसे रिक्वेस्ट एंड पे जाते हुए ये करूंगा कि प्लीज 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 मेरे उबर एंड क्रीम के अलावा भी जो वीडियोस हैं वो भी मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा होता हूँ, उन वीडियोस को भी सपोर्ट किया करें, उन वीडियोस को भी देखा करें, ताकि जो है ना उन वीडियोस पे भी अच्छे जो है ना कमेंट्स किया करें, उससे जो है ना मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मेरा चैनल, मैं अगेन बात करूं कि उबर क्रीम पे नहीं है, मेरा चैनल बिजनेस आइडियाज पे, बिजनेस मोटिवेशन पे, न्यू आइडियाज पे होता है। तो काइंडली चैनल को सपोर्ट करें, ना कि उबर एंड क्रीम की वीडियोज को। ये एक छोटा सा पार्ट है मेरे चैनल का, तो इसलिए जो है ना इस दूसरी चीजों को भी सपोर्ट किया करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर करें दूसरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।